खान में हूं निवेदिता। बिहार चुनाव में किए गए मतदान की मतगणना जारी है। आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव एग्जिट पोल्स के मुताबिक रुझानों में तेजी से बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि एनडीए भी कहीं पीछे नहीं है, एनडीए भी आरजेडी को कड़ी टक्कर दे रही है। फिलहाल नीतीश कुमार का कोई कमाल दिखाई देता नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान का इमोशनल कार्ड भी कुछ काम नहीं कर पा रहा है। चिराग को मोदी का हनुमान होने का भी फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस सब से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव, जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए थे, एग्जिट पोल्स में बताया गया था कि महागठबंधन जीत दर्ज कर सकती है, तो तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के साथ साथ तेजस्वी के परिवार को भी लगने लगा है कि इस बार आरजेडी कुछ चमत्कार जरूर दिखाने वाली है। तभी तो काउंटिंग शुरू होते ही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है तेजस्वी भव बिहार। जी हाँ, जश्न की तैयारी में जुटे लालू प्रसाद के परिवार से मतगणना के दिन जो पहला बयान ट्विटर के जरिए सामने आया है वो है तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव का ट्वीट। तेज प्रताप यादव ने लिखा है तेजस्वी भव बिहार, मतलब साफ है कि अब बिहार पर तेजस्वी का राज कायम होने वाला है। हालांकि पिक्चर क्लियर तो काउंटिंग के पूरे होने के बाद ही होगी, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि आरजेडी एनडीए को कड़ी टक्कर दे रही है। तेजस्वी के टीम के लोग उनके घर पहुंच चुके हैं और टीवी पर नजर गड़ाए हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने मतगणना से एक दिन पहले ही कहा था कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी के बर्थडे पर भाई का आत्मविश्वास भाई को लेकर कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि हमने उसको बर्थडे का गिफ्ट दे दिया है, वो मुख्यमंत्री बनेगा। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया था बिहार की जनता उसे कल गिफ्ट देगी। मतगणना के दिन से एक दिन पहले जब तेजस्वी का जन्मदिन था तभी से ही लालू के घर में उनका पूरा कुनबा जुटने लगा था। बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन बहन बहनोई भी नजर आए थे। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो ना हो लालू के परिवार ने मान लिया है कि तेजस्वी की जीत पक्की है और 15 साल के बाद नीतीश का राज खत्म होकर अब आरजेडी का राज होगा। फिलहाल तेजी से रुझान आ रहे हैं और आगे धीरे धीरे बिहार में सत्ता की पिक्चर और क्लियर होती चली जाएगी।